नगर है भाई, बलिया बलिया हम लोग गाँव है। मेरा गाँव नहीं है इसका, इसका गाँव है। चाइना नेपाल के बॉर्डर का है। हाँ, मैं भारत, चाइना और नेपाल के बॉर्डर का। मैं बलिया यूपी बिहार से बढ़ के मैं भारत का हूँ। बलिया हम जाएंगे, हम लोग ददरी मेला, ददरी मेला हम लोग घूमने जाएंगे। महीने भर तक लगता है मेला भाई, मस्त एकदम। हाँ, ददरी हर चीज मिलता है। गांव का मेला समझ सकते हैं आप कैसा होगा, उतना कुछ खास नहीं होगा, मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आप लोग। मारकुंडी पर्वत, मारकुंडी पहाड़, काट के बनाया गया है मारकुंडी पहाड़। सही बात है भाई। अरे टेम्पो में कम से कम 50 आदमी भरे हैं। सराय 90 किलोमीटर यहाँ से। ये है वीर लोरिक का। यहाँ जागृत पहाड़ था भाई, पानी नहीं गिर रहा आजकल। गिर रहा उधर देख, नहीं दिखा, कम गिर रहा था पहले, भयंकर गिरता था पहले, ज्यादा गिरता था। हाँ, अरे यही पे वीर लोरिक पत्थर है। वीर लोरिक का पत्थर का वीडियो आप लोग को आई बटन से मिल जाएगा, आई बटन से क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं वीर लोरिक पत्थर वाले सारा डिटेल बताऊँ। यहाँ पे है, चला गया ये इको पॉइंट, ये यहाँ का इको पॉइंट। यहाँ से आप नीचे का खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है, दार्जिलिंग वगैरह जैसा दृश्य मिलेगा यहाँ पे नीचे, पूरा पहाड़ियों के बीच में। टोल गेट 1 किलोमीटर है। रेणुकूट से लेके बनारस तक में 4 टोल टैक्स, 3 टोल टैक्स, फर्जी टोल टैक्स है जबकि एक ही होना चाहिए। हाँ, रेणुकूट से लेके बनारस तक में 3 टोल टैक्स है जबकि होना एक ही चाहिए था। गवर्नमेंट में है सर कि 200 किलोमीटर पे एक टोल होना चाहिए, 200 या 150 पे एक टोल होना चाहिए, यहाँ 3 टोल है। लेकिन यहाँ लूट मचा हुआ है। अगर आप टोल में अगर सिंगल भी कटाएगा तो 400 रुपए। अगर कोई लॉयर भी ये वीडियो देख रहा है तो कोई कानून को बताइए, हम उससे एक्शन लेंगे, कंप्लेन करेंगे ऊपर तक। अगर कुछ अच्छा सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अरे फर्जी लगाया है, यहाँ अलग लगाया है, यहाँ अलग लगाया है, फिर तुम्हारा अरोरा में। आप बस से जाइए तो 200-250 रुपये भाड़ा लगता है, और कार से जाइए तो 300 तो टोल टैक्स लग जाता है, 300-350। तो ऐसा करके है। चलो भैया टोल टैक्स भरते हैं, मोदी जी जो ना करवाते योगी। ये सब में बाइक वाले मस्त है, बाइक वाले देखिए साइड से निकल जा रहा है आराम से, बाइक वाले के लिए कोई टोल नहीं है। सही है भाई, ये सज्जन यहाँ पे खड़े कर दिए थे, सोचे थे कि साइड से निकल जाएंगे लेकिन वो बैरिकेशन हटाया नहीं तो इनको घुमा के जाना पड़ रहा है, सफारी वाले भैया। हाँ, ये सोचे तोड़ते हुए निकल जाएंगे लेकिन नहीं हो पाया वैसा जैसा सोचे थे वो। देख गाड़ी को प्रकार देख लीजिए आप, अधिक बड़े वाहन, बहुधरी वाहन मतलब मल्टी एक्सल व्हीकल, ट्रक अथवा बस, ट्रक अथवा बस, हल्के वाणिज्य यान LCV, कार, जीप, वैन। क्या भाई इतना तरह का वाहन बता दिया मैं। उत्तर प्रदेश SH 5A की केवल 30, 120 इधर है, 130 उधर है आगे वाले में। चलो भैया हम निकल गए फाइनली। ये यहाँ बनाया सब गेस्ट हाउस टाइप बनाया लग रहा है, टोल वाले। चलो भैया हम सोनभद्र के RTO पहुँच गए, RTO ऑफिस, यूपी चौंसठ,
MP64। देखिए यहाँ पे RTO का मेला लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। हमारी गाड़ी का भी नंबर DL से UP होने वाला है जल्दी ही। और इस नगर का नाम है सोनभद्र नगर उर्फ रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज ये है जिला संयुक्त चिकित्सालय सोनभद्र, जिला हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। और ये ब्रेकर है, ब्रोकर 70 ब्रेकर बना के रखे हाईवे पे साले सब। 70 ब्रेकर बना के रखे हाईवे पे। योगी सरकार को ये अधिक वसूली भी चल रहा है यहाँ पे। योगी सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हाईवे पे ब्रेकर का हमको नहीं लग रहा कि जरूरत है। पता नहीं क्यों 70 ब्रेकर बना के रखे हैं। ये देखिए ये है वाराणसी, यहाँ से दूर है। DM ऑफिस पहुंच गए हम लोग, रॉयल एनफील्ड एजेंसी पहुंच गए हम लोग। रॉयल एनफील्ड खतरनाक। पंचमुखी महादेव यहाँ से दूर है लगभग 1.5 किलोमीटर। रॉक पेंटिंग यहाँ से दूर है 1.5 किलोमीटर। दोनों का रास्ता राइट में है। लगभग 100 किलोमीटर में सफर करके आ गए हैं। और कुछ खाने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन खिला नहीं रहा है, देख रहा है इसको। रुकूंगा ही नहीं। पूरी सब्जी कौन खाता भाई सफर में? जो कोई भी पूरी सब्जी सफर में खाता भाई कमेंट करके बताए। अभी पाँच खाना चाहिए। कोई मैं अभी तक कुछ नहीं खा भाई, सुबह से खाली पेट। सुबह खाई नाश्ता किया हूँ मैं, बोला कोल्ड ड्रिंक पी जाता भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोल रहा है, पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है साहब। सोनभद्र नगर को क्रॉस करने वाला ये फ्लाई ओवर, ये डायरेक्ट रॉबर्ट्सगंज को क्रॉस कर जाएगा बाईपास। ऐसा फ्लाई ओवर लगभग हर जगह होना चाहिए। देखो सब सोनभद्र नीचे है। एवरेज कबाब है भाई, माइलेज कबाब। मिर्जापुर वाराणसी बाबतपुर, मिर्जापुर के लेफ्ट, वाराणसी के लिए सीधा, अब बाबतपुर के लिए उड़ के जाए। हिंदुआरी पहुंच गए हम लोग। हिंदुआरी ये अड्डा है, ये अड्डा है लोगों को खाना खाने के लिए ना भाई, नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए। हाँ आगे त्रि मुहानी है, वहाँ चाय नाश्ता अच्छा देता है। लोग बताते हैं मैं एक दिन टेस्ट भी किया था, मेरे को एकदम खराब लगा था, लेकिन ठीक है फिर भी भीड़ लगा रहता है। हम लोग मधुपुर पहुंच गए। नौगढ़ नारायणपुर और वाराणसी, और ये रहा ब्रेकर। मौसम को लेते हुए लौंडे लोग, ये का ट्रक साला ब्लॉक करके रास्ता। हम लोग पहुंच गए बट ये हाईवे का रास्ता पूरा एकदम खराब हो गया है करने के लिए। नेशनल हाईवे है ना भाई, स्टेट हाईवे है ये। लेकिन देखो इसके बाद भी इसका ओवरलोड ट्रक चल चल के इसका पूरा खराब कर दिया है। अब मरम्मत की साफ जरूरत है, लेकिन योगी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मरम्मत हुआ भाई तो इतना कचड़ा हो गया रोड, फिर भी दोबारा इसको बनाना चाहिए मस्त। हाँ तो टोल प्लाजा किस ले रहा है, टोल टैक्स बंद करते हम मैनेज कर लेंगे इतने में। हम
सिद्धूपुर को आता था सुकरुत, और सुकरुत के बाद आएगा नारायणपुर। सोनम सोनम कुछ खाओगी? सुकरुत बाद अरोरा के बाद हाट आएगा, फिर अदालाट, फिर नारायणपुर, फिर उसके बाद फिर गाजीपुर, फिर बलिया, फिर बिहार, फिर नेपाल। यहाँ से सोनभद्र समाप्त हो गया। वो वाला रास्ता रेणुको निकल जाएगा, जय श्री राम। जुरासिक वर्ल्ड बनाया मिर्जापुर में, यहाँ कहीं भी नहीं बना हुआ। पहले हम लोग काफी घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सिंगल सीधा सीधा बाईपास बन गया है ना, नहीं तो पूरा घूम के जाना पड़ता पहाड़ी पहाड़ी। हम लोग कहाँ पहुंचे? नारायणपुर। नारायणपुर पहुंच गए हम लोग फाइनली। अब यहाँ से जाम लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ये चल जाएगा चुनार और मिर्जापुर, और ये रोड जाएगा बनारस मुगल सराय। चलो, यहाँ का रास्ता पूरा एकदम खराब है, अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ से लेकर टेंगना मोड़ तक लगभग ऐसे ही है, मतलब बीच में सही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो वाला रास्ता सही है, जाने वाला रास्ता सही है। वहाँ मतलब रेणुकूट जाने का रास्ता वाला सही है, टाउन का रास्ता सही है, अब का रास्ता खराब है। अरे कौन सा टेंगरा मोड़ है भाई? यहाँ हम लोग फाइनली टेंगरा मोड़ पहुँच गए भाई। टेंगरा मोड़ पहले से ज़्यादा गंदा है, और आगे भी इससे भी गंदा होने की उम्मीद है पूरी, क्योंकि योगी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सब योगी सरकार करे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, चाटेंगे? ये देखे, ये बीजेपी के भक्त बोले, भक्त का साला अपने घर दुकान के सामने साफ सफाई रखेंगे ना, योगी का झाड़ू मारेंगे घरों में आके, खुद रहेंगे गंदगी से, इनको साफ सफाई चाहिए। सोनभद्र डिपो, उत्तर प्रदेश परिवहन, ये भी बस कचड़ा ही है, कचड़ा ही रहेगी, उम्मीद है कचड़ा ही रहने की इसकी। जो कचड़ा पब्लिक बनाई है, पब्लिक नहीं बनाई है, पूरा दोष योगी सरकार को जाता है। देखिए डस्ट डस्ट, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी सिंगरौली से कम नहीं है। पड़ाव चले क्या? पड़ाव चलो क्या? चलो भाई हम लोग पड़ाव चल रहे हैं, पड़ाव। ये रास्ता ओवरब्रिज निकल जाएगा, तो टेंगना मोड़ एरिया पे देखिए, देखिए गड्ढे, नाली, नाला, ऐसा ऐसा तो रास्ता है। योगी सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। A few moments later, बनारस के जाम में फंस गए हम लोग। ये बनारस अनहरा पुल के नीचे हम लोग हैं, नदेसर। यहाँ से अपोजिट जाएंगे तो कैंट पहुँच जाएंगे, वाराणसी कैंट। बंदरिया के नानी क्या आया है? बंदरिया बंदरिया के नानी क्या दही खाने आया है? ये गांव का देसी दही है।
प्योर दही। अब इसको अंकित टेस्ट करके बताएगा अंकित कैसा लगा। अंकित तो पर डे टेस्ट करता है, अंकित तो पर डे टेस्ट करता है, आप टेस्ट करेंगे इसको। बहुत बढ़िया, बताओ भाई दही कैसा लगा? बढ़िया, पक्का मिठाई खट्टा मीठा है। हाँ, इसे बहुत सारे चीनी डाला हुआ है। अंकित बताएगा, बताओ अंकित। अंकित कैमरा देख के भाग रहा है। चलो भैया हम भाभी के घर घूम लिए। ओके बता दे रहा हूँ वीडियो में, ये सब भाभी का ही है। हाँ जब देखेंगे तब देखा जाएगा। चाचा इसकी आंख से इतना आंसू बह रहा है, क्या भैया डर दो चाचू को बप 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 बप। दही है दही, ये हम तो यही कह रहे हैं अगर सिचक लगे था तो यही तो कर ही पीछे। अरे यहीं भी पीछे चीज के पीछे रख देंगे दही, नहीं तो फिर छाछ बन जाएगा। तेरा झोला रखो। टाटा बंदरिया, टाटा बंदरिया, टाटा ज्वाइन किया अंकित। अंकित देख लो कैमरे पे, अंकित ज्वाइन किया है, अंकित चलेगा मेला घूमने। बंदरिया कहाँ है? बंदरिया कहाँ है? बंदरिया SM टाउन PG कॉलेज बलिया में ना। बलिया में जा रहे पेपर देने, भाई पेपर देने आ रहे। किस चीज का पेपर है? पर्यावरण का। बलिया है, बलिया हाई गांव का नाम, त्रिकालपुर। तो त्रिकालपुर में बहुत सारे घोड़े रहते हैं, घोड़े ही गधे हैं। खच्चर ये सब। जहाँ जहाँ तक आपका नजर जा रहा है, ये जहाँ जहाँ तक आपका नजर जा रहा है, ये सारा खेत अंकित का है। अंकित ये सारा खेत का मालिक अंकित है। अंकित चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये पूरा गाँव ही इसी के नाम पे बसा हुआ है। स्कूल द हॉरिजन स्कूल इंग्लिश मीडियम का है। बलिया का फेमस स्कूल है और रास्ता इतना छोटा सा सरकरा रास्ता, ये और भी सा रास्ता जान भी बनाया था ताकि डाका दल ना आए। अच्छा डाका दल आया तो नकल करने वालों को मतलब अलर्ट कर दिया है। गूगल मैप ओपन कर दिया है, गूगल मैप ओपन किया है। कितना काउंटर दिखा रहा है उसमें लगा देना। तो कॉलेज कहाँ है देखी हो सोना? अब डाला ना गूगल में आ जाएगा। तो हम लोग फाइनली बलिया का मार्केट पहुंच गए। बलिया का मेन मार्केट है ना ये? हो गया बलिया का छोटा मार्केट है भाई। बलिया में एंट्री हो रहा है हम लोग का। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए भैया SMM टाउन PG कॉलेज, मुरली मनोहर महाविद्यालय बलिया।